Welcome to the channel. अरबी फंटा से सेवन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एन बी लीग का जो मैच होने वाला है फोनिकसून वैसे लॉस एंजल क्लिपर्स के बीच में फोनिकसून टेबल टॉपर है लॉस एंजल क्लिपर्स भी पॉइंट टेबल पर एट्थ पोजीशन पर है विदाउट स्टार प्लेयर खेल रहे फिर भी रिसेंटली दो मैचेस में दो स्ट्रॉन्ग टीम को हरा कर आ रही वैसे फोन एसन रिसेंटली फाइव आउट ऑफ फाइव मैचेस से विन कर कर आ रही प्रॉबेबली जो स्ट्रॉन्ग टीम है फोनिकसून लेकिन लॉस एंजल क्लिपर्स को भी आप कम नहीं समझ सकते हो रिसेंटली दोनों मैचेस में स्ट्रॉन्ग टीम को हराए और प्लस पॉइंट है कि विदाउट स्टार प्लेयर खेल रहे फिर भी आप पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस है इस टीम के तरफ से आ रहे हैं बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक अगर वर्क नहीं करती है तो टेलीग्राम पर सर्च करना एट सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से बात करेंगे दोनों टीम की तरफ से प्रोबेबल स्टार्टर प्लस इंजरी अपडेट्स सबसे पहले फोनिक तो फोनिकसुन की तरफ से इनके रेगुलर स्टार्टिंग क्रिस पाउल पॉइंट गार्ड बकर शूटिंग गार्ड माइल ब्रिजेस स्मॉल फॉरवर्ड पावर फॉरवर्ड से क्राउडर स्टार्ट करेंगे और सेंटर से स्टार्ट करेंगे डी एंटनी ये इस टीम की स्टार्टिंग लाइनअप है जहाँ पर डी एंड एंटोनी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है और फोनिक सिंह यहाँ पर लॉस एंजल क्लिपर्स के अगेंस्ट जितने भी मैचेस के लिए सभी मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्राउडर डिफेंस डिफेंस अच्छा खासा कर देते हैं माइल ब्रिजेस का रिसेंटली मैचेस का परफॉर्मेंस अच्छा और ये दोनों जो है तो यहाँ पर ऑफेंसिव चार्ज हैंडलर है और प्रोबेबली आपको यूनिवर्सल के यस और पी भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिस क्रिस्पाउल और बकर सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स यहाँ पर यही लेते बकर और उसी के साथ साथ अगर क्रिस पाउल की अगर बात करूँ तो ये एसिस से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट दे देंगी लास्ट मैचेस में 15 एसिस 5 रिबाउंड 10 पॉइंट उसी के साथ साथ बकर के परफॉर्मेंस की बात करूँ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव रिबाउंड फाइव असिस्ट और तो एक स्टील के चलते रिसेंटली दोनों मैचेस में क्रिस पाउल ने बकर से ज़्यादा पॉइंट दिए तो प्रोबेबली आज के मैच में आपको मोस्टली अपोनेंट के आपके क्रिस पाउल जो होंगे वो यस पी देखने को मिलेंगे लेकिन जिस मैच में यहाँ पर बकर चल रहे थे वन साइडेडली आपको यहाँ पर ये मैच जितवा देंगे रिस्क लेना पसंद करते हो तो एस पी बकर को और पी पी क्रिस पॉल को ट्राई करना क्योंकि यहाँ पर बकर बहुत ज़्यादा शॉट्स लेते फील्ड गोल से लेकिन उतने ही ज़्यादा शॉट्स यहाँ पर ये मिस करते ये इनकी दिक्कत है बाकी यहाँ पर लास्ट मैच में देखेंगे तो एक ठीक ठाक आया था लेकिन जिस मैच में इनके यहाँ पर यह शॉट्स सेलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा होंगे उस मैच में क्रिस पॉल से आपको इजिली अच्छे खासे पॉइंट देंगे डैंड एंटोनी का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा था वैसे यहाँ पर रिसेंटली मैचेस में इनको टाइम इतना ज़्यादा दिया नहीं जा रहा है अराउंड यहाँ पर ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स मिनट खेल रहे ये प्लेयर रिसेंटली मैचेस में इंजरी से पहले जब खेल रहा था तब थर्टी प्लस मिनट खेल रहा था तो यहाँ से थोड़ा सा इन पर टाइम लिमिटेशन के साथ इनको खिलवाया जा रहा है बाकी क्राउडर का परफॉर्मेंस डिफेंसली आपको अच्छा खासे कर देंगे थ्री पॉइंटर शूटर है माइल ब्रिजेस के रिसेंटली हर मैचेस यहाँ पर बेस्ट रहे तो माइल ब्रिजेस भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं फॉर्म में यहाँ पर बैक कर चुके और फॉर्म में बैक करते यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है अभी भी इनकी तरफ से जो बैंक थे जमेल मैगी जो कि आप पर खेलेंगे बैकअप सेंटर लेकिन बेम्बो भी इनके पास अवेलेबल है इनको भी चांस दिया जा सकता है मैच वन साइड होने के बाद और लास्ट मैच में इनको चांस दिया गया है क्रेक एक नया प्लेयर ऐड हो चुका है स्क्वाड में और लास्ट मैच में इनको टाइम भी मिला है क्रिस जॉनसन उसी के साथ साथ यहाँ पर बैकअप गार्ड जो खेलेंगे पाइना अन अवेलेबल है तो पाइटन है इनके पास अवेलेबल है हॉलीडे तो यहाँ पर बैकअप गार्ड से इनके पास बहुत सारे प्लेयर अवेलेबल है जहाँ पर रिसेंटली मैचेस में हॉलिडे को भी टाइम मिलाए अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनके तरफ से भी आए और पैटन को भी टाइम मिला मिलाई तो ये कुछ यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है पाटों को अच्छा खासा टाइम मिलता था लेकिन हॉलीडे के आने की वजह से शायद यहाँ पर पैटन के टाइम इफेक्ट पर टाइम पर आप आपको इफेक्ट पड़ता हो देखने का जॉनसन बेस्ट आप और फॉरवर्ड प्लेयर है वैसे क्रिक को भी रिसेंटली मैचेस में अच्छा खासा टाइम मिला है पहला ही मैच खेले थे और बेस्ट टाइम यहाँ पर खेल कर गए थे बैकअप फॉरवर्ड खेलेंगे तो ये कुछ इनकी बैंक थे लास्ट मैच का परफॉर्मेंस क्रिक का बेस्ट रहा था बेस्ट रहा था यहाँ पर पाइटन का तो इन दोनों को प्रिफरेबल कर सकते हो क्रिश जॉनसन को टाइम बेस्ट मिला था लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए थे थ्री पॉइंटिंग से थ्री पॉइंटर से अगर यहाँ पर ये पॉइंट नहीं देते तो ज़्यादा इफेक्टिव वैसे भी यहाँ पर ये होते नहीं तो यहाँ पर सभी डिपेंडेंट है इनके यहाँ पर शूटिंग से फॉर्म कैसा होता है सेकंड साइड अगर क्लीपर्स की बात करूँ तो रेगी जैक्सन रिसेंटली मैचेस में अपनी टीम के लिए यहाँ पर लीडिंग स्कोर है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आज के मैच के लिए उसके बाद निकोलस बटूम टेरेंस मना जो कि आपको स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिलेंगे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट के मैचेस का परफॉर्मेंस इतना बेटर नहीं है लेकिन हाँ फिफ्टीन पॉइंट पर गेम इनका यहाँ पर एवरेज है फिटबॉल से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहते थे तो एक इंपॉर्टेंट पिक फिलहाल मुझे लग रहा है रिस्क लेना पसंद करते हो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो रिकी जैक्सन टीम के स्टार प्लेयर है ऑफेंस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट थे. टेरेंस बना एक ऐसे प्लेयर है जो कि आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे पॉइंट प्लस रिबाउंड प्लस असिस्ट से और डिफेंस भी इनका अच्छा है काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर एक्टिव रहे थे ज़ुबैक बेस्ट प्लेयर है लेकिन टाइम इनको बहुत कम मिलता है सेंटर के प्लेयर होते हैं जो इनको जो ऑलमोस्ट यहाँ पर थोड़ा सा कम टाइम आपको खेलते देखेंगे जिसमें से यहाँ पर जुबैक एक लास्ट मैच इनके लिए बेस्ट गया है लेकिन आज का मैच इतना ईजी होने वाले नहीं सामने वाले टीम का फ्रंट कोर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है खास कर डे एंड्रे एंड्रोनी और क्राउडर डिफेंस अच्छा करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जुबैक के लिए इतना आसान होने वाला नहीं मॉरिस ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है फीटबॉल से फिर भी इनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है अगर यहाँ पर गोल से ये इनका मैच अच्छा खासा जाए तो ये प्लेयर आपको 35 प्लस मिनट यहाँ पर खेलता हुआ देख सकता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना बट का टाइम इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डिफेंस में अच्छा खासा किया था और ऑफेंसिवली भी यहाँ पर थ्री पॉइंटिंग में भी इनके लिए अच्छा मैच लास्ट रहा था रिगेज एक्सन रिसेंटली हर मैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे और खास कर, कर असिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है लास्ट मैच में भी एट असिस्ट किए थे और जो रिसेंटली मैच हुआ वहाँ पर भी इन्होंने नाइन असिस्ट किए और उससे पहला थर्ड जो मैच रहा था वहाँ पर भी एट असिस्ट तो कंटिन्यूसली असिस्ट भी दे रहे हैं प्लस पॉइंट से भी इनकी तरफ से पॉइंट आ रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर फिलहाल यहाँ पर बनकर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैक इन फॉर्म वापस आ चुके और आते ही इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है टेनिस बना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है वैसे हर मैच में इनको टाइम अच्छा खासा मिलता है जो कि आपको रिबाउंड से भी पॉइंट देंगे असर से भी और पॉइंट सेक्शन से भी तो एक क्रूशल और इंपॉर्टेंट पिक है टेन क्रेडिट में इससे बेटर पिक आपको कोई मिलेगा नहीं हर्टनिस जो कि जहाँ पर बैकअप सेंटर खेलेंगे लेकिन कभी कभी इनकी जगह पर कॉफी को ज़्यादा प्रिफरेबल किया जाता है जब ऑफेंस की ज़रूरत हो तो इन पर भी ध्यान रखना कोविस्टन भी अवेलेबल है इनकी तरफ से फॉरवर्ड पोजिशन से और बोस्टन इनके पास अवेलेबल है एक यहाँ पर बैकअप गार्ड तो ये कुछ इनके यहाँ पर बैंस टेंट थे जहाँ पर बोस्टन और रॉबिनहुड बैकअप गार्ड खेलेंगे लेकिन कॉफी रिसेंटली मैचेस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहे, रहे गार्ड से फॉरवर्ड से यहाँ पर कोमिंगटन खेलेंगे और बैकअप सेंटर से यहाँ पर खेलेंगे हटनेस तो यही इस टीम के यहाँ पर स्टार्टिंग लाइनअप यहाँ पर हो सकती है अभी कॉफी एज अ स्टार्टर करते हुए भी इन्होंने बेच दिया है और बैंस से भी लास्ट मैच अगर यहाँ पर छोड़ दे तो इससे पहले सेकंड मैचेस में भी इन्होंने यहाँ पर बेच दिया है और वैसे भी इनको बैक किया जा रहा है टाइम दिया जा रहा है तो एक इंपॉर्टेंट पिक फिलहाल जो कि क्रेडिट्स और ऑप्शन में मिल जाएंगे थर्टीन पॉइंट और वन रिवॉर्म इन्होंने लास्ट मैच में दिए थे पावर फॉरवर्ड से आपको

मॉरिस को ट्राई कर सकते हो आपके पास क्राउडर है जो कि स्टार्टिंग लाइनअप में आएंगे क्रेडिट सेवर के साथ जाना चाहते हो तो कॉफ़ी के साथ जा सकते हो टिक्रेक फोन एक्सविंग की तरफ से लास्ट मैच खेले थे आ, पहला है अपना डेब्यू मैच था फोन एक्सविंग की तरफ से और आते ही इन्होंने बेच दिया सिक्स का क्रेडिट के प्लेयर है जहाँ पर क्रेडिट से और आप इन्हें ट्राई कर सकते हो डे एंड और दुपै की ये दो ऑप्शन आपके पास है चाहो तो दोनों को पिक कर सकते हो चाहे तो एक को पिक कर सकते हो फिलहाल यहाँ पर डी एंटोनी को मैं पिक कर रहा कराऊँ इसका रीज़न है कि हिट टूट मैच के परफॉर्मेंस इनके अच्छे रहे अगर आप यहाँ पर चाहो तो जुबैक को भी पिक कर सकते हो जो कि आप यहाँ से क्रेडिट भी सेव कर लेंगे और आपके पास मैगी का भी एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है चाहो तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो बाकी डिपेंडेंट है आपको क्रेडिट सेव करना है बाकी यहाँ पर डी एन एंटोनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको खेलते हुए देखेंगे जुबैक से तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज लेना है तो डी एंड एंटोनी के साथ जाना लेकिन उसके लिए फिलहाल यहाँ पर आपको क्रेडिट मैनेज करने पड़ेंगे फॉरवर्ड पोजिशन से अगर आप यहाँ पर चाहो तो क्राउडर को पिक कर सकते हो उसके बाद आपके पास एक आ जाएगा पॉइंट सेक्शन पाइटोंग को पिक करो और अगर आपके पास एक हॉलीडे का भी ऑप्शन अवेलेबल है इन्हें भी ट्राई करना रिसेंटली मैचेस में हॉलीडे को भी अच्छा खासा टाइम मिला है रॉबिन हुड अवेलेबल है लेकिन इतना ज़्यादा टाइम इनको मिलता नहीं और कॉफ़ी जो कि यहाँ पर बैंस से रिसेंटली हर मैचेस अपने टीम के लिए बेस्ट टाइम दे रहे आप चाहो तो इन्हें भी पिक कर सकते हो लेकिन विजय ले लोन पर खेल रहे तो यहाँ पर पैटन की जगह पर आप इजिली यहाँ से ट्राई कर सकते हो कोविंगटोंग को या फिर आप यहाँ से अपने टीम में यहाँ पर माइल ब्रिजेस को भी पिक कर सकते हो बाकी यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट का इशू हो रहा है तो शायद यहाँ पर आपको दो बेंच प्लेयर यहाँ से लेने पड़ेंगे टीकरेक और कॉफ़ी बाकी सभी जो रहेंगे वो स्टार्टिंग लाइनअप पर रहेंगी और एक अच्छी खासी स्टार्टिंग लाइनअप है और ये दोनों क्रेजेस है और यहाँ पर कॉफ़ी भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहते और क्रिकेट भी लास्ट मैच में एक्टिवेट रहते तो ये थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशियल करना पड़ेगा अगर आपको विजय लेवल पर खेल रहे हो तो यहाँ पर आप मुझे लगता है इजीली आपके पास ऐसे आ जाएंगे क्राउडर कॉफ़ी या फिर क्रिक की जगह पर तो मैं प्रिफेबल करूँगा क्रिक की जगह पर अगर आधे तो यहाँ पर क्रिक की जगह पर क्राउडर को पिक कर लेना कॉफ़ी जो कि ऑफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको मैं प्रिफ्रेबल करूँगा क्लिपर्स की तरफ से क्योंकि बैंस टैंस इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं जितनी अवेलेबल है फोन की तरफ से तो ये मेरा डेमो ट्रिमेलोंग कॉम्बिनेशन मे भी यहाँ पर ऑलमोस्ट फाइनल हो सकता है अगर यहाँ से एस चॉइस की बात करूँ तो सेफ जो इस एस रहेंगे वो रहेंगे क्रिस बॉल से पी पी रहेंगे बकर और थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशियल ट्राई करना चाहते हो जी में था आप यहाँ पर डी एंड एंटोनी को भी एस और पी, पी ट्राई कर सकते हो और जी के लिए आपके पास रेगी जैक्सन का भी एक बेस्ट एस पी पी, पी चॉइस ऑप्शन अवेलेबल है रिस्क लेना पसंद करते हो एस पी, पी पी रोटेट कर सकते हो रिसेंटली दोनों मैचेस में यहाँ पर क्रिस पॉल ने बकर से ज़्यादा पॉइंट दिए लेकिन बकर भी फील्ड गोल से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स ट्राई करते जितने शॉट्स यहाँ पर क्रिस पॉल ट्राई नहीं करेंगे उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज से यहाँ पर बकर गोल से शॉट्स अटैम करेंगे बाकी आप पर डिपेंडेंट है कि इनका आज के मैच में आप परफॉर्म कैसा होता है और लग कैसा होता है इस पर ही यहाँ पर इनके पॉइंट डिपेंडेंट होते हैं तो सेफ यही ऑप्शन है क्रिस पाउल यहाँ पर सेफ एस पी और बकर सेफ फी भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे तो होप गाइज वीडियो पसंद आया होगा उसी के साथ साथ अपने लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा तो मिलते हैं फाइनल टीम के साथ टेलीग्राम चैनल पर